गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने पढ़ा था पिछले मॉड्यूल में ये पार्ट चतुर्मुर्गा। चतुर्मुर्गा पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार जो मुर्गा है वो अपनी चतुरता से, अपनी बुद्धिमानी से चालाक लोमड़ी का झूठ पकड़ लेता है, जान लेता है कि लोमड़ी झूठ बोल रही है और उसको खाना चाहती है, पकड़ना चाहती है। इस पार्ट में कई सारे नए शब्द आए हैं। जैसे हमने देखा एक प्राणी शब्द आया है। प्राणी क्या होता है? सारे ही जिंदा जो प्राणी होते, जीव जंतु पक्षी इंसान, सब प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। तो प्राणी शब्द आए हैं। अनुस्वर अनुनासिक के प्रयोग किए गए हैं। कई जगहों पर संयुक्त अक्षर का प्रयोग आया है और हमने जैसा कहा था कि विराम चिन्हों का भी इस पाठ में प्रयोग किया गया है। कई जगह पर आपने दो कौमा एक साथ लगे हुए देखे जिन्हें कि हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो इस पाठ के दौरान स्टडी करते समय, अध्ययन करते समय हम उन विराम चिन्हों को भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम नए शब्दों की। इस पाठ में आए हैं, जब आप इस पाठ का वाचन करेंगे तो देखेंगे कि पाठ के अंतर्गत कई सारी जगहों पर गुलाबी कलर से, रंग से कुछ शब्द दिए गए हैं। तो वो सारे शब्द हमको अध्ययन करना है। बॉक्स में शब्द अर्थ दिए गए हैं, वो भी पढ़ना है। लेकिन कॉपी में कौन से नए शब्द एज ए न्यू वर्ड आपको लिखना है। तो अपनी हिंदी की नोटबुक में आपको यहाँ जो दिए गए हैं वो 12 शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, हिंदी की नोटबुक में पाठ का नाम डालोगे, हेडिंग में 7 चतुर्मुर्गा इंडेक्स में डालोगे और उसके साथ ही नोटबुक की हेडिंग में भी डालोगे। फिर रोमन नंबर डलाते हैं ताकि आपको अभ्यास का सीक्वेंस क्रम बना रहे। पहले हम सबसे पहले नए शब्द लिखते हैं, फिर प्रश्नोत्तर लिखते हैं, फिर दूसरे अभ्यास करते हैं। तो रोमन नंबर 1 यानी कि पहला अभ्यास हम करेंगे नए शब्द का, और इसमें कौन कौन से नए शब्द लिखेंगे चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है सतरंगी। सतरंगी यानी 7 रंगों से बना। अब 7 रंगों से बनी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसी चीजें जिनमें 7 रंग हैं वो सतरंगी कहलाएंगी। जैसे कि इंद्रधनुष सतरंगी होता है। यहाँ पर मुर्गे के जो पंख है वो काफी सारे रंगों के हैं, इसीलिए पाठ में उसके लिए भी सतरंगी शब्द का प्रयोग किया गया है। आवास, आवास को हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इसके नीचे नुक्ते का प्रयोग है, ये बिंदु का प्रयोग है जो जा को जा बना रहा है, आवास। फिर मित्रता, मित्रता दोस्ती की भावना। प्राणी, प्राणी में पौ के नीचे पदेन रा लगा हुआ है, प्राणी, तो इसको हम सीखेंगे। समाचार, समाचार यानी कि कोई खबर, जिसका यहाँ पर खबर शब्द भी लिखा गया है। फिर है शिकारी, शिकारी में शा का प्रयोग है, उच्चारण शा होगा, सा नहीं, ध्यान से करेंगे हम। धन्यवाद, धन्यवाद में आधा ना ओ य, धन्यवाद, इस शब्द का प्रयोग दिखाया है। फिर है भैया, भैया में ऐ की मात्रा, तो ऐ की मात्रा उच्चारण कैसा होता, ऐ, भैया। मित्र यानी कि दोस्त, झोपड़ी, यहाँ पर आपको बिंदु का प्रयोग किया गया है और साथ में ड ना हो कड़ा है। नॉर्मली आप लोग क्या करते, झोपड़ी बोलते हो, हमें क्या बोलना, ड, झोपड़ी। फिर हंसना, हंसना यानी अनुनासिक, चंद्र बिंदु का प्रयोग है और इसे हम कैसे बोलेंगे, हंसना। तो ये सारे 12 शब्द हैं जो आपको एज अ न्यू वर्ड यानी कि नए शब्दों के रूप में अपनी कॉपी में लेखबद्ध करना है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे प्रश्नोत्तर संबंधी, जो हम आपको कराएंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप इस अभ्यास को अपनी कॉपी में लेखबद्ध कीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। हम करेंगे और हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।